रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। जैसे कि आपको देखने से पता चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे है, तो उसके लिए हमने सेलिब्रेशन के लिए केक बनाया है, आइसक्रीम केक, क्योंकि गर्मियाँ है। बड़ा मज़ेदार किस्म का बना है और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ मज़ेदार सी रेसिपी बनी है। मैं इसको कट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए मेल्ट होना भी शुरू हो चुका है, बड़ा मज़े का। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा बना है। इसे मैं प्लेट में सर्व करती हूँ। ये देखें हर तरफ से आप देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से, ये देखें कितना प्यारा बना है। अब मैं इसको तोड़ती हूँ, वो खाती हूँ। ये देखिए बहुत मज़ेदार बना है, बहुत टेस्टी बना है। ठीक है, चलें हम अपने किचन में चलते हैं और आपके लिए मज़ेदार से किस्म का आइसक्रीम केक तैयार करते हैं। आइसक्रीम केक बनाने के लिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स मैंने लिए थे, ये देखिए इस तरह करके मैंने 18 ये बिस्किट्स लिए हैं और इसको इस तरह करके क्रम्बल कर लिया। चाहे तो आप बेलन से कर लें, चाहे तो आप चॉपर में कर लें। ये देखिए इस तरह करके, ठीक है। अब मैं इसके अंदर रूम टेम्परेचर पर बटर डालूँगी, हाफ कप तो मेरे ख्याल से इसमें चला जाएगा। मैं देख लेती हूँ, इसको मिक्स करके पता चल जाएगा। इसको हमने ऐसे इस तरह करना है कि ये जैसे एज अ बाइंडिंग के तौर पे हम इसमें बटर डालेंगे। नो ओवन केक है, आइसक्रीम केक बड़ा मज़े का बनता है। आइसक्रीम केक वैसे भी नो ओवन ही होता है, मैं भी क्या बोल रही हूँ आपसे। चले मैं इसको कर लेती हूँ, इसमें भी और बटर चाहिए। जी मैंने चीज़ केक पैन लिया है, इसके अंदर सब जगह से मैंने अच्छे से बटर को ग्रीस कर लिया है। और ये देखिए ये बिस्किट्स हमारे किस तरह हो गए, इस तरह होने चाहिए। देखिए इस तरह, जैसे हम ये चम्मच करें ना तो इस तरह शेप आ जाए, यानी कि स्मूथ हो जाए। अब ये हम इसके अंदर सब डाल देंगे बिस्किट्स, ये देखिए। ये देखिए अब हम इसको सेट करेंगे इस तरह करके, पहले एक स्पैचुले की मदद से कर लेंगे, ये देखें। और फिर हमने करना है, एक गिलास ले लीजिए या कोई अगर आपके पास कोई और स्मूथ सी चीज़ है उस तरह करके, इस तरह करके मैं इसको बिल्कुल स्मूथ। ये देखिए इसको हमने सेट कर लिया इस तरह करके। अब हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे कम से कम 20 to 25 मिनट्स। ये देखिए अब आइसक्रीम बनाने के लिए हमने ले लिए व्हिपिंग क्रीम, ये देखिए 1 कप लिए मैंने, ये देखिए ठीक है 1 कप लिए। अब हम इसको करेंगे बीट। व्हिपिंग क्रीम आपका ये ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि ठंडी हो फ्रिज में। सबसे पहले हमने 1 बीट पे इसको करना है, ये देखिए। फिर उसके बाद हमने इसकी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तेज़ करके जाना है, इस तरह करना है, ठीक है। वन फोर्थ कप कंडेंस मिल्क। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा और तेज़ मीठा और डाल सकते हो, कंडेंस मिल्क कोई मसला नहीं है। ये देखिए ये इतना बहुत होगा, 1/4 कप। और इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून के लिए बस 3-4 ड्रॉप बस वनीला एसेंस के, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा से बीट करना है, पहले आराम से इसके पीक्स बनाने तक। अब मैंने इसको देखिए कितने अच्छे से व्हिप्ड हो गई, इसके पीक्स बन गए, ये देखिए ये गिर भी नहीं रही है, ये हमें इस कंडीशन में चाहिए। चले अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप। हमने ये जो बनाई थी क्रीम व्हिप की भी थी, अब ये हम इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे, अच्छे से हर तरफ से डालेंगे कि ये सेट भी हो जाए हमारी। ये देखिए इस तरह करके, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से बड़े मज़ेदार चीज़ बनने वाली है इंशाल्लाह। ये देखिए ठीक है। अब हमने असल में है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है 14 अगस्त, हमने उसकी निस्बत से थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करी है। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा कंडेंस मिल्क लिया है और इसके अंदर हमने डाल दिया फूड कलर ग्रीन कलर का, और ये थोड़ा सा इस तरह करके हम डाल देंगे इसमें यूं करके, ठीक है, और यूं कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से, ये देखिए इस तरह करके थोड़ा सा डिज़ाइनिंग हो जाएगी हमारी, और कुछ भी नहीं है।
ये देखिए, ठीक है। ये कर देने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है दोबारा से क्रीम, ये देखिए, ये इस तरह करके हमने इस पर दोबारा से लेयरिंग कर देनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारी मैं क्रीम डाल दूँगी जो हमारी है, ये देखिए सब जगह से अच्छे से इक्वली। खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब हमने इसको फ्रीज़ कर देना है। बेहतरीन रिजल्ट के लिए तो मैं कहूँगी आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़ करें। अगर आप इससे कम कर सकते हो तो 12 घंटे तो कम से कम आपको इसको ज़रूर फ्रीज़ करना है। आप इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे और पूरे 12 घंटे के बाद फिर इसको निकाल के फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। ये देखिए जनाब, 14 अगस्त आइसक्रीम केक हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैं 5 मिनट के लिए बाहर रखूँगी निकाल कर, और फिर इसको ये साइड से खोल कर निकालते हैं ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट इसको हो गए रखे हुए बाहर, अब मैं ये खोलती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये साइडें इसे छोड़ दिए। बिस्मिल्लाह, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसको उठा देना है, ये देखिए। चलें अब हम इसको सर्विंग प्लेट में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम इसको कट करेंगे। जश्न आज़ादी आप सबको मुबारक हो, और जिस जिसकी आज के दिन बर्थडे होती है उन सबको बर्थडे मुबारक। कितना प्यारा हमारा केक कट हो गया है, ये देखिए। और जिस जिसकी बर्थडे है उसको भी हैप्पी बर्थडे, ये देखिए। मैं इसको अलग प्लेट में सर्व करती हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए जनाब, मज़ेदार किस्म का हमारा आइसक्रीम केक तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी बना है, आइसक्रीम पाई भी इसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।